आज हम लोग पॉलिटी के सेकंड भाग को देखते हैं, पूरे पॉलिटी को। भारत के जो संविधान हैं उसको पिछले वीडियो में बताए हैं, भारत के संविधान हैं उसको 22 पाठ बनाया गया। जैसे आप लोग किताब पढ़ते हैं तो उसमें लेसन्स होते हैं ना, तो इसमें भी 22 लेसन है। कितने लेसन हैं? 22। और लेसन के अंदर देखिएगा छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उसी प्रकार इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको अनुच्छेद कहा जाता है। भाग एक में 4 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 4। और 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में अनुच्छेद है। मतलब टोटल पाठ की संख्या, लेसन की संख्या कितना है? 22 है। और प्रत्येक लेसन में कुछ अनुच्छेद हैं। टोटल अनुच्छेद आपको 395 पढ़ना, 395 अनुच्छेद हैं। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें किस चीज़ों की चर्चा है? तो नागरिकता संबंधित चर्चा है। किससे संबंधित चर्चा है? नागरिकता मिलने से हमें अनेक फायदे हैं। और पहले नागरिकता को किस किस अनुच्छेद में क्या तहत पे रखा गया है पहले इसको समझते हैं। देखिए, नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। अरस्तु एक बहुत पुरानी बातें हैं, विचारक थे। और भारत या अन्य देशों में बहुत सारी जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय अरस्तु जी ने ही संविधान में नागरिकता की बातों की चर्चा की थी। इसलिए अगर कहा जाए तो अरस्तु को ये नागरिकता से संबंधित जो नियम कानून बना उसके जनक कहे जाते हैं। अरस्तु ने ही सबसे पहला विवरण प्रस्तुत किया था। भारत में नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारत के पास कोई संविधान था? नहीं था। कब संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो नागरिकता किससे संबंधित पहला बार जो अधिनियम बना वह कब बना? 1955 में। कब बना? 1955। उसके पहले नागरिकता का कोई बड़ा प्रावधान नहीं था। देखिए, अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में जितने भी लोग रह रहे थे उसे कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, भारत की नागरिकता उसे दे दी गई जो भारत में था। ठीक है, कब, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 5 में वही सारी बातें लिखी हुई है कि भारत में आज़ादी के समय जितने भी लोग रह रहे थे सबको भारत की नागरिकता मिल गई। उसको कहते हैं प्रारंभ में दी गई नागरिकता। अनुच्छेद पहले 6 देखते हैं, 7 लिखा गया थोड़ा मिस्टेक से ऊपर। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोग। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे हिंदू जो लोग थे पाकिस्तान में भी रह रहे थे, उस क्षेत्र में भी रह रहे थे, और बहुत सारे मुसलमान भारत के भी क्षेत्र में रह रहे थे। तो आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ तो मुस्लिम अधिकतर किस तरफ चले गए? पाकिस्तान तरफ चले गए। और अधिकतर मुस्लिम हिंदू किधर चले आए? भारत की तरफ चले आए। तो उस समय जो भारत, पाकिस्तान से जो भारत आया उस सबको नागरिकता दी गई। कब तक? 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत आ गया सबको नागरिकता दी गई, कोई कागज पत्र की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जब जो लोग आया उसको परमिट रूल को फॉलो करना पड़ा। परमिट रूल क्या होता था? एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता था, उसको भर कर रख दीजिए और बताइए कि कहाँ रह रहे थे, क्या रहे थे, उसका विवरण दीजिए, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ज़्यादा टफ नहीं था, वह सरल ही था। लेकिन 1948 में एगो फॉर्म भरना ही बहुत बड़ा काम होता था। 1948 में फॉर्म भरना ही बहुत बड़ा काम होता था। आप लोग तो उस जमाना को नहीं देखे हुए हैं, जब आप लोग के उम्र का हम थे तो गांव का बहुत सारी महिलाएं जो है चिट्ठी पढ़ाने के लिए आती थी। कोई बेटा भेजता था, कोई भेजता था, तो चिट्ठी पढ़ के बताते थे। पढ़ने या नहीं आता था अपने घर में, बहुत सारे घर में पढ़े लिखे बच्चे नहीं थे, पढ़ के हम लोग बताते थे। किसी को कोई चिट्ठी पत्र लिखना रहता था तो हम लोग लिख देते थे, बहुत दिक्कत था। हम लोग जब पढ़े नहीं थे उस समय की बात करें तो गांव में एगो दूगो लोग पढ़ा ही होता था। उस समय फॉर्म भरना बहुत परेशानी का बात था। अभी ना आप लोग कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। उस समय गाँव में एक दो लोग पढ़ा हुआ था, आप फॉर्म आर भरवाने जाते हैं तभी नहीं टाइम है, ये है वो है, बहुत परेशानी होता था। लेकिन अभी ऐसी दिक्कतें नहीं है। 1948 में फॉर्म भरना ही बहुत बड़ा टफ टास्क होता था। लेकिन फॉर्म भरने के बाद आसानी से उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 6 महीना समय लगता था। कितना समय लगता था? 6 महीना समय।
लेकिन उसके पहले जो भारत में आया हुआ उसको कोई फॉर्म भरना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सीधे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे आप लोग को क्या है, वंश के आधार पर नागरिकता मिला हुआ, कुछ फॉर्म भरे हैं? कोई फॉर्म भरे नहीं है, कुछ नहीं किए, नागरिक हैं भारत का। जब 18 साल होगा तो पैन कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड कराने के लिए फॉर्म भरिएगा, नागरिकता के लिए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भर दीजिएगा, आपको सारा चीज़ बन के चलाएगा। लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं है, पहले भारत का नागरिक बनने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आधार, बैंक कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को परमिट रूल के तहत 19 जुलाई 1948, क्योंकि 15 अगस्त 1947 एक आज़ाद हुआ। अब जिसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा है, एक महीना दो महीना छः महीना में चल आया तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन 19 जुलाई 1948 तक नहीं आया। उसके बाद आया तो क्या किया गया, परमिट रूल के तहत, किसके तहत, परमिट रूल के तहत उसको फॉर्म भर के उसको भारत की नागरिकता मिल गई। यह भी बहुत सरल था। देखिए अनुच्छेद 7 में है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। स्वतंत्र जब भारत हुआ तो उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान चले गए। उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दी गई। कब संविधान बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान बनने से पहले जो भी लोग आया उस सबको भी नागरिकता दे दी गई, कोई परेशानी की बात है। लेकिन क्या था कि अगर इस डेट से पहले अगर आया तो उसको फॉर्म भरने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर इस डेट के बाद आया तो उसको फॉर्म भरकर भारत की नागरिकता दी गई। 1955 के बाद जो आया तो उसको बहुत बड़ा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ा, बहुत सारा प्रोसीजर, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक फॉर्म भर के दीजिए, 6 महीना में आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जो पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि जो भारत में रह रहा है, अब एक साल के लिए कहीं चल गया तो यहाँ का तो रिकॉर्ड रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो रहेगा, लोग तो पहचानेगा ना, यहाँ पर इसका घर था, जमीन था। बेचे के चले जाइए तो रिकॉर्ड तो रहेगा ना, जिसको बेचेंगे उसमें तो आपका नाम लिखा रहेगा ना कि हाँ। तो ये सब रिकॉर्ड मिलने के बाद जो भारत से पाकिस्तान भी चला गया उसको भी भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक है। ये तीनों नागरिकता मिलने से संबंधित है। अब देखिए अगला है अनुच्छेद 9 में किस बातों में चर्चा है। अनुच्छेद 9 में विदेश भ्रमण या नौकरी करने के लिए आप जाते हैं बाहर, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 8 नंबर में अनुच्छेद 8 में यह लिखा हुआ है कि आप विदेश जाते हैं नौकरी करने के लिए, चाहे घूमने के लिए जाते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जो विदेश जाता है या नौकरी करने के लिए जाता है वह भारत के लिए अच्छी बात है। NRI के बारे में पढ़ाएंगे। NRI ऐसे लोग होते हैं जो विदेश में नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और नौकरी करेगा बिजनेस करेगा तो क्या होगा, पैसा लाएगा ना भारत, भारत को फायदा होगा, तो उस सब की नागरिकता भारत सरकार समाप्त नहीं करती है, भारत के लिए फायदे की बात है। आप लोग के गांव से भी विदेश में रहता होगा, कमाता होगा, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाती है। अनुच्छेद 8 में इस बातों की चर्चा है कि कोई विदेश घूमने गया है, पढ़ने गया है, नौकरी करने गया है, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाए। आप विदेश गए पढ़े लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कमाने गए, घूमने गए, वहाँ से आ गए, फिर गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ आप शादी विवाह कर लेते हैं तो वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। अगर वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या होगा, स्वतः खत्म हो गया, भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगा, मतलब आप भारत के नागरिक नहीं रहे। अर्थात भारत से बाहर जाते हैं, कमाते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, तो भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत भी बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, व्यवसाय करने आते हैं, तो वहाँ की नागरिकता उनके पास है। लेकिन आप वहाँ जाके, बहुत सारे लोग क्या होता है कि यहाँ से गया अमेरिका, अब वहाँ काम कर रहा है, तो उसमें देखिए बहुत सारा चीज़ें हैं। यहाँ के लोग को अगर 1 लाख का महीना दे देगा तो आसानी से काम कर लेगा, लेकिन उतना ही काम अगर अमेरिका के आदमी को कहेगा तो वह 10 लाख से कम नहीं लेगा, 15 लाख से कम नहीं लेगा। तो क्या होता है, यहाँ से लोग जाता है, सोचता है कि हम भी 15 लाख कमाएं, तो वहीं किसी से शादी कर लेता है। बहुत सारा फॉल्स मैरिज भी होता है, शादी कर लेता है, अब वहाँ की नागरिकता ले लिया, तब उसको कितना पेमेंट मिलेगा, 15 लाख, तो अधिक पैसा होगा। तो फॉल्स मैरिज भी होता है, वहाँ का कोई लड़की से बात किया, कहा तुमसे कागज़ पर शादी कर लेते, 5 लाख महीना तुमको दे देंगे, 10 लाख हमको बचेगा, लड़की को भी फ्री में मिल जाता है। या लड़की कोई है तो वहाँ के किसी लड़का से शादी कर लिया, उसको कह दिया कि तुम्हारे साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा, खाली एक कानूनी के तहत हम शादी कर लेते हैं, तो लड़कों को 5 लाख का महीना दे दिया, वो भी फायदा में है, 10 लाख कमा के चला है। तो ऐसा भी होता है, फॉल्स मैरिज भी होता है। लेकिन
अगर वहाँ की नागरिकता मिल जाती है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। वहाँ की नागरिकता लिए तो भारत को फायदे नहीं, क्योंकि वहीं बस जाएंगे। जब वहाँ बस जाएंगे तो भारत की नागरिकता क्यों मिलेगा, सुख सुविधा, तो कोई सुविधा नहीं मिलेगा आपको, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में है भारतीय नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। आप आतंकवादी की मदद कर देते हैं तो ये देश विरोधी काम हो गया। सार्वजनिक स्तर पर कोई बड़ा घटना को अंजाम दे देते हैं तो देश विरोधी काम हो गया। अगर आप देश विरोधी काम करते हैं तो भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। लेकिन भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी तब तक कहीं का नहीं रहिएगा। कल तो बताए थे ना, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत के नागरिक थे, किसी देश का नागरिकता तो आपके पास था नहीं। आपको अगर कुछ हो जाता है तो कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं होगा, ना आपको कोई काम मिलेगा, ना कोई व्यवसाय कर सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, ना कोई रहने देगा, कोई काम कहीं नहीं रहेंगे, कोई एक थप्पड़ मार के चला जाएगा, आप कुछ भी कर नहीं सकते, केस भी नहीं कर सकते। तो अगर देश विरोधी कोई काम करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, तब भारतीय नागरिकता आपको नहीं रहेगा, कोई लाभ आप उठा नहीं सकते। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाती है। कौन बनाती है? एमपी बनाता है। और वो किसके अंतर्गत होता है? गृह मंत्रालय। जैसे अभी कौन है? अमित शाह है। अमित शाह जिसको चाहेंगे उसको भारत की नागरिकता देंगे, उन्हीं के अंदर में मंत्रालय। तो नागरिकता संबंधित कानून बनाना, उसका संशोधन करना किसका काम होता है? संसद का काम होता है। किसका काम होता है? संसद का काम होता है। वही नियम कानून बना सकता है और उसमें संशोधन कर सकता है, किसी को नागरिकता दे सकता है और किसी की नागरिकता छीन भी सकता है। ऐसे तो देखा जाए तो अमित शाह का एक बार तरी पार घोषित कर दिया गया था, कोई उधर गुजरात या कहीं का था, उसमें केस वगैरह हो गया था उसमें। तो नागरिकता जो अभी है गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। पहली बार इस नागरिकता में संशोधन 1946 में हुआ था। किस में हुआ था? 1986 ईस्वी में। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। क्योंकि जन्म के आधार पर जो है नागरिकता लेने से लोग क्या करता था, फायदा उठा लेता था, रहता था विदेश का, भारत में आता था, बच्चे जन्म लेते थे, भारत की नागरिकता मिल जाती थी, इसलिए 1986 में पहला संशोधन किया गया। ये है आपको नागरिकता से संबंधित, आपसे पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में किसकी बातें की गई है, तो आपको इसी 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत ही नागरिकता से संबंधित सारे नियम कानून है। समझने में किसी कोई दिक्कत? लिख लिए आप लोग? नागरिकता किस किस आधार पर मिल सकता है? आज हम लोग पढ़े वह किस भाग को पढ़े? भाग दो को पढ़े। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? और अनुच्छेद कितना है? 395। कितना है? टोटल अनुच्छेद 395 है और भाग कितने हैं? 22 हैं। हम लोग 1 से 4 में भारत जो है राज्यों का यूनियन है उसके बारे में पढ़े, और 5 से 11 में नागरिकता संबंधित पढ़े। इतना समझने में कि नहीं कोई दिक्कत?